नमस्ते, आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ब्रह्मचर्य पालन में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगी। वो औषधि कौन सी है? वो औषधि है आंवला या आंवले का चूर्ण। अब ये क्यों? क्योंकि मैं अलग अलग प्रॉब्लम में इसका यूज बताने वाला हूँ। जैसे कई लोगों को स्वप्नदोष की प्रॉब्लम होती है, स्वप्नदोष की प्रॉब्लम में आंवला कैसे मदद कर सकता है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। जैसे कई व्यक्तियों को कब्ज के कारण स्वप्नदोष होता है, तो आंवले का एक चम्मच सुबह सुबह लेने से कब्ज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और इससे स्वप्नदोष भी नहीं होगा। कई लोगों को गर्मी के कारण स्वप्नदोष होता है, अधिक गर्मी लगती है, तो ऐसे व्यक्तियों को आंवला और धागे वाली मिश्री का चूर्ण या आंवला और सूखे शीशम के पत्ते का चूर्ण दोनों को मिक्स करके, दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को मिक्स करके आपको रात को सोने से एक घंटा पहले लेना है गुनगुने पानी से। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें गर्मी के कारण स्वप्नदोष होता है तो उसमें भी आंवला बहुत मदद करेगा। आगे जाने तो जिन व्यक्तियों को गड़बड़ पाचन तंत्र के कारण उनको स्वप्नदोष होता है, तो ऐसी स्थिति में भी आंवला चूर्ण एक परफेक्ट टॉनिक की तरह काम करेगा। आपको करना क्या है कि सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे बाद आपको गुनगुने पानी से एक चम्मच आंवला चूर्ण की फनकी मारकर ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। और आगे जाने तो सबसे मेन प्रॉब्लम कि जिन व्यक्तियों का वीर्य पतला हो गया है उनके कारण उनको स्वप्नदोष होता है, यानी कि वीर्य इतना पतला हो गया है कि उसकी होल्डिंग पावर इतनी कम हो गई है जिसमें वो छोटी मोटी भारी चीज भी खा लेते हैं, तो उसी छोटी मोटी भारी चीज खाने के कारण ही उनको स्वप्नदोष हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्तियों को आंवला चूर्ण वीर्य गाढ़ा करने की एक बहुत ही अच्छी दवा की तरह काम करेगा। और हाँ भाई, आंवला का एक विशेष फायदा ये है कि ये हमारा वीर गाढ़ा तो करता है लेकिन इसके साथ साथ हमारे मन को भी शांत रखता है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ अश्वगंधा लेना पसंद करेंगे तो इसमें अश्वगंधा से बड़े फास्ट बड़ी तेजी से वीर गाढ़ा हो जाता है। आंवला से ज्यादा फास्ट अश्वगंधा लेने से वीर गाढ़ा होता है, लेकिन अश्वगंधा में प्रॉब्लम यह है कि इसके साथ साथ आपका मन भड़का रहेगा, यानी कि आपकी सेक्स करने की रुचि अंदर से उठेगी। तो ये स्थिति एक ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए सही नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम आंवला की बात करें तो आंवला में ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, भले ही आपको समय लग सकता है, डबल समय लग सकता है, लेकिन इसके जो रिजल्ट होंगे वो आपको संतुष्ट कर देने वाले होंगे। और मैंने एक आर्टिकल में ये पढ़ा था कि आंवला क्या करता है कि हमारे मन को शांत रखता है, हमारे मन में उल्टे सीधे ख्याल नहीं आने देता। तो इसका सीधा सीधा मतलब हम ये निकाले कि जिन व्यक्तियों का मन भड़का रहता है, मतलब मन में उल्टी खटपट चलती ही रहती है, तो इसके कारण अगर उनको स्वप्नदोष होता है तो इस स्थिति में भी आंवला चूर्ण एक परफेक्ट दवा, परफेक्ट टॉनिक की तरह काम करेगा, जो कि हमारे मन के लिए भी अच्छा है और हमारे तन के लिए भी अच्छा है। अब अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप वैसे भी अलग से आंवला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं या आंवले का मुरब्बा फल कैसे भी फॉर्म में आंवला का सेवन कर सकते हैं। इसके बारे में आयुर्वेद में भी बताया गया है कि आंवला, जैसे हम रोटी रोज खाते हैं, गेहूं की रोटी रोज खाते हैं, दाल रोज खाते हैं, दूध रोज पीते हैं, तो ठीक ऐसे भी हमें आंवला भी रोज लेना चाहिए। अष्टांग हृदय में महर्षि वाग्भट ने एक लिस्ट बोली है जिसमें व्यक्तियों के लिए ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जिसका सेवन उसको रोज करना चाहिए, जैसे मुनक्का, गेहूं, जौ, चावल, दूध, शहद, घी। तो ऐसे ऐसे करके उसमें एक नाम आंवले का भी आता है, तो आंवला आप ले सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें आंवला तो उस टाइम लेना चाहिए जब हमें कोई रोग हो, यानी कि कोई स्पेसिफिक रोग में हमें आंवला का सेवन करना चाहिए। और वो ऐसा क्यों बताते हैं? क्योंकि वो आंवला को एक औषधि मानते हैं। भाई, औषधि इसमें सब चीजें होती हैं, जो आप रोटी भी खा रहे हैं वो भी एक औषधि है। तो इसका मतलब हम ये निकाले कि जब हमें कोई रोग हो तब हमें रोटी खाना चाहिए। इसलिए आप लगातार आंवले का सेवन करिए, बेझिझक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।